Hey guys, what is up? Welcome back to the new vlog. 7 बजे का अलार्म लगाया था तो हम पहले उठ गए हैं। ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि हमने पंखा बंद कर दिया था, दो चादरें उड़ ली थी, अभी भी बहुत ज़ोरों की ठंड लग रही है यार। चलो आज तो सही समय पे उठ गए, जल्दी से उठते हैं, फ्रेश होते हैं और निकलते हैं अपने स्कूल के लिए। भाई अभी नहा के आए हैं और मतलब कि हालत खराब हो गई, इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी। चलो अब जो है स्कूल की ड्रेस पहन के देखते हैं। ड्रेस ले ली थी मैंने बट पहन के अभी तक नहीं देखी है, तो अब पहन के देखेंगे कि उसकी फिटिंग विटिंग है कैसी। तो ड्रेस पहने जा रहे थे पर पहले हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में है चिल्ला और चाय। तो यार देखो, मैंने अपने स्कूल की जो है ड्रेस पहनी हुई है और मेरे को ड्रेस इतनी ज्यादा गंदी लग रही है, इतनी ज्यादा गंदी लग रही है कि मैं क्या बताऊं। मेरे को इस ड्रेस का कलर ही नहीं पसंद। देखो ऊपर तो ये व्हाइट कलर की शर्ट हो गई, एक तो गाइस कली शर्ट लाए ना तो ध्यान भी नहीं रहा प्रेस करने को, तो शर्ट जो है बिल्कुल ऐसी सुकड़ी सुकड़ी हो रही है। और ये जो नीचे की पैंट का कलर है ना, इस पैंट की कलर देख के मेरे को गुस्सा आ रही है। और कली लाए थे, ध्यान भी नहीं रहा, मेरे को फिटिंग भी करानी है, तो अजीब टाइप की ऐसे लूज हो रही है। मैंने ऐसी पैंटें जो है कभी अपनी जिंदगी में नहीं पहनी। ये जो इतनी ज़्यादा नीचे आ रही है ना ही ये ज़्यादा नैरो बॉटम है, तो मैं जो है आज तो जा रहा हूँ पर आज घर आने के बाद तुरंत ही मैं इसकी फिटिंग कराऊंगा, नैरो बॉटम कराऊंगा। देखो शर्ट तो सही है चलो वाइट, लेकिन ये जो पैंट का कलर है ना, मतलब कि बड़ा अजीब लगता है यार। तो चलो भाई टाइम देखते हैं। ओहो टाइम हो गया है 8:30, तो अब निकलते हैं यहाँ से। तो आज जो है हम जा रहे हैं मामा के साथ, बासु आदा गए हुए हैं अपनी कोचिंग। जय भोले मामा की। तो गाइस चलो चलते हैं मामा के साथ। चलो जय श्री राम। जय फाइनली गाइस छुट्टी हो चुकी है और हमारा फ़ोन भी हमें मिल गया है, हमने सबमिट कर दिया था ना। और आज जो था ऑटो हमें स्कूल के अंदर ही मिल गया है, क्योंकि मेरे एक दो फ्रेंड जो हैं ऑटो से जाते हैं तो जगह थी, मैं इसी में बैठ गया आराम से। हाँ बज रहा है, अब जाके कहीं घर पहुंचे हैं और लड्डू खा रहे हैं और पानी लेके जा रहे हैं ऊपर। हम जो थे बस ऊपर गए हुए थे कि रिया दीदी गाइस आ चुके हैं घर में। हाय गाइस। यहाँ पे दोनों लोग जो है झूले को सही कर रहे हैं, दोनों का प्लान है झूला झूलने का। झूला झूल के दिखाइए गाइस। तुम धक्का मत दो, मैं झूल लेके आऊं। ये तो गाइस ना जा रहे हैं, बस 20 मिनट के लिए आए थे और अब इतनी जल्दी जा भी रहे हैं। जय श्री राम मामा, जल्दी दर्शन दीजिएगा गाइस। तुम लोग बना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाय गाइस। गाइस स्कूल से आने के बाद इतनी जोरों की नींद लग रही है ना, पर सो नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है व्लॉग एडिट करने के लिए। आज वाला जो व्लॉग है एडिट नहीं हुआ है, तो चलो उसकी एडिटिंग करते हैं सबसे पहले। तो यार 6:30 हो रहा है और फाइनली अपना वीडियो एडिट हो चुका है और आंखें देख रहे हो बिल्कुल बंद हुई जा रही है, बहुत जोरों की नींद आ रही है। अगर समझ लो मैंने आंखें ऐसे बंद करके 2 मिनट के लिए भी लेट गया ना, मैं सो जाऊँगा। अब ना खाली हो चुके हैं तो सोच रहे हैं साइकिल बनवा लें चल के, कल से ट्यूशन चालू कर देंगे, वरना लेट ही होता जा रहा है। अब चाहे कुछ भी हो हम बनवा के आएंगे साइकिल और भूखे भी लेके आएंगे अपनी। चाहे कुछ भी हो जाए गाइस, आज अपनी कमों को जो है सही करवा के लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया टायर पड़ेगा, तो जो जो कुछ सही होना है वो सब इनके यहाँ है, पर खर्चा बहुत ही होने वाला है यार। आगे वाला पहिए का ना टायर भी फटा हुआ है, ट्यूब भी पंचर, इसलिए सबसे पहले तो भैया इसको निकाल लें। ये देखो ये पूरा टायर ऐसे फटा हुआ है और अंदर का पूरा ट्यूब भी फटा हुआ है, तो भैया फिलहाल तो रिम पे पूरा बांध रहे हैं, फिर इस पे नया टायर ही लगेगा। एंड साइकिल की मेरी गद्दी भी खराब है, तो ये साइकिल की पूरी एक नई गद्दी भी पड़ेगी। तो यानी कि पूरी साइकिल ही सही होनी है यार, बहुत कुछ इसमें सही होगा। और जो हमारा मडगार्ड था वो टूटा हुआ है, तो मैंने जो है ये वाले मडगार्ड पसंद करे हैं, तो ये मडगार्ड भी हमारी साइकिल में ही लगेंगे। एक चीज अच्छी रही कि जो मडगार्ड है ना उसी कलर का मिल गया जिस कलर की साइकिल है, मतलब कि हल्का सा नहीं नियॉन कलर का जो शेड आया है वो मिल गया, ये बहुत ही अच्छा रहा यार। मडगार्ड लगाने के बाद भैया ने टायर भी लगा दिया और भैया जो है अब इसमें हवा भर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं इस टायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो टायर की क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा टाइट है, दब नहीं रहा है। और भाई गद्दी की हालत तो देखो क्या हालत है, मतलब कि तुम सोच भी नहीं सकते इस पे बैठोगे क्या हाल होगा, इसीलिए मैं एक बढ़िया सी मुलायम सी गद्दी ढूंढी है और वो मैं इसमें लगवा रहा हूँ। सब कुछ सही हो चुका है, अब जो है हमारे ब्रेक लग रहे हैं, ब्रेक में जो गुटके पड़ते हैं ना आगे लग चुके हैं और अब पीछे लग रहे हैं। तो फाइनली गाइस अपनी साइकिल बन चुकी है, अब चलो उसे ट्राई करते हैं।
कि सही है भी या नहीं। ऊंची काफ़ी ज़्यादा हो गई है यार, मतलब कि इतनी मज़ा आ रही है ना अपनी कमों पे सवारी करके 6-7 महीने के बाद मज़ा आ रही है। तो फिलहाल तो हम चल रहे हैं अपनी बुक्स लेने के लिए, अब मज़ा आया करेगी, अब हम करेंगे साइकिल ब्लॉगिंग गाइस। अब जो है ना हम अपना एक बढ़िया सा साइकिल ब्लॉगिंग सेटअप बनाएंगे, फिर खूब आराम से दिन भर साइकिल ब्लॉगिंग करेंगे। और फिलहाल तो जो है मैं फ़ोन बंद करके रख देता हूँ, क्योंकि जो साइकिल है ना मैं बहुत ज़ोरों से चलाता हूँ। सीधे मिलते हैं दुकान पे। एनसीईआरटी की 11th क्लास की बुक चाहिए, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री। एक्चुअली गाइस इनके पास कुछ बुकें नहीं हैं, तो इन्होंने बोला भैया कल आ जाइएगा ले लीजिएगा, तो कल आके बुकें लेंगे। लेकिन बस जो मेन काम था हमारा साइकिल सही करवाने का, वो तो हमारी सही हो गई, तो अब हमें सुकून है, आराम से कहीं भी जा सकते हैं। अब गाइस जो है ना सिर्फ साइकिल हमें धुलवानी बची है, अभी तो सारी जितनी भी धुलने वाली दुकानें वो सब बंद हो गई होंगी, तो कल ही साइकिल धुलवाएंगे, आज तो धुल नहीं पाएगी। सो गाइस टाइम की अगर बात करें तो टाइम बच चुका है 8, यानी कि अपना व्लॉग जो है लाइव हो चुका होगा, और बस थोड़ी दूरी अगर बचा है, ज़्यादा दूर नहीं। भैया आप लोग यानी कि व्लॉग इन्जॉय कर रहे हो समय आराम से, और भाई साहब बिलीव नहीं मानोगे इतनी ज़्यादा स्मूथ चल रही है ना, कि मतलब एक पैडल मारो और भागती जा रही है, तो मज़ा ही आ गया। अब आराम से गाइस बस दिन भर घूमा ही करेंगे, और कोई काम भी कहाँ है। बड़ा हरामी हो बेटा। मेरी कमो सही हो गई गाइस, इतनी खुशी तो मुझे सच में मेरे पैदा होने पे भी नहीं हुई थी। क्या बोला तूने? एंड फाइनली गाइस रीच्ड होम। ब्रेक लग जा, ब्रेक एक सब बढ़िया लग रहे हैं। कोई बैठा है क्या? कोई नहीं बैठा। चलो खड़ी करते अपनी कमों को अंदर। देखा बोला था ना कि तुम्हें जल्दी सही कराएंगे, इसका पुनर्जन्म हो गया गाइस। और ये मैंने स्कूल के सॉक्स ले लिए थे, स्कूल के सॉक्स नहीं थे ना मेरे पास, तो इसमें स्कूल के सॉक्स। तो अपना खाना आ चुका है, खाने में है दाल, भिंडी, रोटी और चावल, तो जल्दी से खाते हैं। तो वीडियो 8 बजे लाइव हो चुका था, हमने अभी तक व्लॉग नहीं देखा, बट अभी हमने कमेंट देखे, तुम लोगों ने तो नीचे तनिष्क आर्मी की लाइन लगा दी यार, #तनिष्क आर्मी है। तनिष्क आर्मी वालों रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। जब से कराए थोड़ा सा बिजी है, क्योंकि हम जो है हम एक और अपना नया व्लॉगिंग सेटअप ढूंढने में लगे हुए हैं, जो हमें अपनी साइकिल के लिए बनाना है, क्योंकि साइकिल तो बन गई है, तो ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ सेटअप वाली चीज़ें मिलेंगी तुरंत ही ऑर्डर कर देंगे। एक दो चीज़ें मिली हैं, बट थोड़ा सा और उन्हें अच्छे से देख लें, उनके बारे में पढ़ लें, तो आज अपना पूरा साइकिल ब्लॉगिंग सेटअप भी ऑर्डर मार देंगे। यार मैं ना अभी सो गया था, कॉल लाइट चली गई, तो मतलब कि एसी सी बंद हो गई ना, तो गर्मी लगने लगी, तो उठ गया कॉल, वरना व्लॉग की एंडिंग भी नहीं कर पाते, फिर कल ही करते। सो अभी तो उठ गए, लाइट भी आ गई है, बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है यार, पूरा शेड्यूल बिगड़ गया ना, सुबह इतनी जल्दी उठ गए थे, कल लेट में सोए थे, तो फिर से जा रहे हैं सोने के लिए, बहुत ज़ोरों की नींद लग रही है, सच में कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो व्लॉग को यहीं पिन करते हैं, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। गजब बेइज्जती है।